दोस्तों, मैं रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। तो हॉस्टल के बारे में क्या लिखा आपने? हॉस्टल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बच्चे पढ़ेंगे तब समझेंगे। देखिए, आप हॉस्टल, मुझे पता चला कि रामजस हॉस्टल भी और हिंदू हॉस्टल भी, अब जेंटलमैन हॉस्टल हो गया है। जेंटलमैन हॉस्टल क्या था, आधे में लड़की रहती है, आधे में बंद है। हिंदू हॉस्टल बंद है। अच्छा, हिंदू हॉस्टल फिलहाल बंद है, पता नहीं। लेकिन इन लोगों को था कि आधा आधे में लड़कियां हैं, आधे में लड़के हैं। तो लड़के अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए बेहूदी वो हरकतें, जिसको बेहूदी हरकत कहते हैं, जो नैसर्गिक होता है वो नहीं करते हैं। तो ये बनावटीपन किस तरह से जी रहे हैं लोग, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये बनावटीपन हमारे आपके समय में नहीं था, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम natural. अंदर से जो थे वो अंदर से थे, दिल से थे, दिमाग से नहीं थे। नेचुरल, नैसर्गिक थे।